जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जीवन में अपमानित होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है मेरे दोस्त की। ये मेरा वो दोस्त है जो मेरे स्कूल में मेरे साथ था, जो बहुत ज्यादा कमजोर था फिजिकली। वो बहुत ज्यादा पतला दुबला था और लोग उसको चिढ़ाया करते थे, ठीक है। कोई उससे कहते थे माचिस की तिल्ली, कोई कहते थे बहुत पतला है, कोई कहता था कि इसको तो फूंक मारो ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ताने उसने हमेशा अपने जीवन में सुने। लोग उसको छेड़ते थे, लोग उसको मारते थे, लोग उसको चिढ़ाते थे। तो इन सब चीजों से वो बहुत परेशान था। मुझे तब समझ में नहीं आता था कि ये रिटेलिएट क्यों नहीं करता, ये जवाब क्यों नहीं देता उन लोगों को। लेकिन आज समझ में आता है कि ऐसा क्या था। वो जो अपमान उसका हुआ था स्कूल टाइम पे, उसने वो अपने दिल से लगा लिया था। यहाँ पर लोग उसको पतला दुबला कहते थे, लोग उसको मारते थे, ठीक है। तो ये जो अपमान था उसने अपने दिल से लगाया था और उसने एक लक्ष्य अपना तय करा कि मुझको डिफेंस फोर्सेस में जाना है। लोगों ने उसकी इस सपने का भी मजाक उड़ाया। जब उसने क्लास में बताया कि मुझे फोर्सेस में जाना है, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यार ये दुबला पतला इंसान क्या फोर्सेस में जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ने हार नहीं मानी। और उसने निरंतर तैयारी करता रहा। उसको बहुत सारे फेलियर्स मिले, बहुत लोगों की कहानी, बहुत सारा उसको फेलियर मिला, बहुत लोगों ने उसको चिढ़ाया, उसका अपमान किया और हर पल उसको अपमान सहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज तो मुझको इस सिनेरियो से पता चली, इस स्टोरी से पता चली कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो उसने फोर्सेस की तैयारी करी, उसने कुछ एग्जाम्स दिए और आज मेरा जो दोस्त है, आज वो ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट है, जो कि एक टाइम पर बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उस समय उसका वो अपमान नहीं हुआ होता तो शायद आज वो ऑफिसर नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आज आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, अगर आज आपका कोई अपमान कर रहा है, तो इसको पॉजिटिवली लो और दिखा देना अपने सपने को पूरा करके कि हाँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपके आसपास भी होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि कैसे एक गरीब इंसान अमीर हो गया, एक कैसा एक दुर्बल इंसान शक्तिशाली हो गया, एक इंसान जिसकी उम्मीद कुछ नहीं थी वो बहुत कुछ हो गया, एक पेट्रोल पंप वाला धीरूभाई अंबानी हो गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आप लोगों के सामने हैं और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप आज आपको कोई अपमान कर रहा है तो इसको पॉजिटिवली लें और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं, दुनिया को दिखा दो कि हाँ, आप कर सकते हो। अंत में इतना ही कहूंगा कि अपमानित होना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।